तो आज शाओमी ने ना चाइना में ऑलमोस्ट 22 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, क्योंकि आज उनका मी फैन फेस्टिवल 2020 था। शाओमी ने ऑलमोस्ट 10 साल कंप्लीट कर लिए, उनका 10 ईयर एनिवर्सरी था, इसलिए उन्होंने अपने फैंस के लिए काफ़ी सारे स्पेशल गिफ्ट्स के तरीके में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करें तो रेडमी नोट 7S, जो कि इंडिया का रेडमी नोट 9 मैक्स है ना, वही सेम प्रोडक्ट उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया है विद अ स्पेशल MFF एडिशन, जो कि मी फैन फेस्टिवल एडिशन है। इसमें ज़्यादा चेंजेस तो देखने को नहीं मिलते, बस इसमें स्पेशल ब्रांडिंग दे रखी है और थोड़ा से इसमें थोड़ा सा हमें स्पेशल टच देखने को मिलता है। एंड बाकी प्रोडक्ट्स की बात करें ना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत टाइम से हमें सोर्स कोड्स के थ्रू एंड XG डेवलपर्स ने भी कहा था कि हमें रेडमी ब्रेसलेट या रेडमी बैंड देखने को मिलेगा। आज ऑफिशियली शाओमी ने उसे अनवील किया है और रेडमी ब्रेसलेट के नाम से ये आया है एंड काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। ये 6 to 7 कलर्स में आता है डिफरेंट एंड इसमें 1.08 इंच की एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलती है, हार्ट रेट मॉनिटर, 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड्स और ऑलमोस्ट 14 डेज की बैटरी लाइफ। देखने में ये बैंड काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। एंड अगर इसके फीचर्स को हम देखें और इसके प्राइस पॉइंट को हम कंसिडर करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये सिर्फ 99 युआन का लॉन्च हुआ है, जो कि कन्वर्ट करें इंडियन प्राइसिंग में तो सिर्फ 1000 रुपीज़ का है। एंड 1000 रुपीज़ में इतने सारे फीचर्स देना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे रेडमी ने ये बैंड इसलिए निकाला है क्योंकि रियलमी भी अपना बैंड ऑलरेडी निकाल चुकी है एंड अगर फीचर्स देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है व्हेन रेडमी और रियलमी बैंड को हम कंपेयर करें। जैसे रियलमी बैंड में हमें USB टाइप ए से चार्ज करने को मिलता है ना, सिमिलरली रेडमी बैंड में भी वही सेम फीचर दिया हुआ है। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा वायर की ज़रूरत नहीं है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, बट IP रेटिंग का इसमें प्रॉब्लम ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। श्योरली ये काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है एंड अगर ये इंडिया में आता है तो ये एकदम मार्केट को किल कर देगा। अब अगर रेडमी के सेकेंड प्रोडक्ट के बारे में बात करें ना तो ये है रेडमी ट्रूली वायरलेस एयर 2S। अब नाम थोड़ा लंबा है बट इसे मैं एयर 2S कहूँगा क्योंकि एयर 2 शाओमी ऑलरेडी अनवील कर चुका है चाइना में, जो कि अभी तक इंडिया में नहीं आया है, बट उन्होंने इम्प्रूव करके एयर 2S लॉन्च किया है, जो कि इंडिया में हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा अंडर द रेडमी ब्रांडिंग। अब इसका जो प्राइस है ना वो है अराउंड 4000 रुपीज़ एंड चाइनीज प्राइसिंग है 399 युआन्स, बट इंडिया में हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द GST राइस, जो कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इम्पोज करी है। तो होपफुली ये अच्छे प्राइस पॉइंट पे आए एंड इसमें हमें स्पेशली एक लॉन्ग बैटरी लाइफ देखने को मिलती है 17 आवर्स की एंड इसमें LHDC कोडेक का भी सपोर्ट है, मतलब कि जो वॉइस कनेक्टिविटी होगी, कॉल कनेक्टिविटी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और लो लेटेंसी देखने को मिलेगी। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया ना वो है रेडमी का अपने रेडमी लैपटॉप्स। अब रेडमी लैपटॉप्स को लेके इंडिया में काफ़ी एक्साइटमेंट बनी हुई है क्योंकि रेडमी के लैपटॉप्स ऑलरेडी चाइना में 2 साल पहले लॉन्च हो चुके थे, जो अभी तक इंडिया में नहीं आए हैं। हर साल रेडमी कोई ना कोई नया लैपटॉप एक इम्प्रूव्ड और अपग्रेडेड वर्जन लाता है, जो कि इंडिया में कभी नहीं आता। बट रिसेंटली मन्नू कुमार जैन ने ये बताया था कि वो इस साल प्लान कर रहे हैं कि रेडमी के लैपटॉप्स वो इंडिया लाएँ, तो एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। इसलिए मैं रेडमी के जो लैपटॉप्स लॉन्च हुए ना चाइना में वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो रेडमी बुक 14 का जो अपग्रेडेड वर्जन आया है वो एक राइजन वाला एडिशन, जो कि राइजन 5 वाले जो उनके नए प्रोसेसर्स आए हैं उन पे बेस्ड है, और एक आया है इंटेल i5 एडिशन। अब दोनों एडिशन्स में कुछ प्राइस पॉइंट का थोड़ा बहुत फ़र्क है एंड अगर मैं बताऊं तो राइजन 5 वाला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिल रहा है इस बार, क्योंकि इसमें 16 GB रैम देखने को मिलेगी और 512 GB ऑफ SSD स्टोरेज। और i5 वाला एक वेरिएंट भी है, i5 वेरिएंट में हमें 8 GB रैम और 512 GB ऑफ SSD स्टोरेज प्लस इसमें MX 250 ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल रहा है। अब जो प्राइस पॉइंट का फ़र्क बस इतना है कि जो राइजन वाला है वो अराउंड 37,000 का है और जो इंटेल i5 वाला है ना वो 40 to 41,000 का देखने को मिलेगा। ये कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और पावरफुल लैपटॉप्स हैं। अब बस फिंगर क्रॉस करके रखते हैं और देखते हैं रेडमी अपने लैपटॉप्स कब तक इंडिया में लॉन्च करता है। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट शाओमी ने लॉन्च किया है ना वो है मी टीवी प्रो। ये 75 इंच का टीवी है एंड काफ़ी पावरफुल स्पेसिफिकेशंस के साथ हमें देखने को मिलता है। इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 60,000 रुपीज़। अब मुझे नहीं लगता है ये प्रोडक्ट इंडिया में आएगा क्योंकि शाओमी ऑलरेडी जो है बजट सेगमेंट को टारगेट कर रहा है अपने टीवीज के साथ और वो प्रीमियम सेगमेंट में अभी एंटर करना नहीं चाहेंगे।
बट जो एक खुशखबरी सुनने को मिली इस इवेंट से वो ये है कि मी टीवी 4A का 60 इंच वाला मॉडल भी चाइना में शोकेस हुआ है। अब पॉसिबिलिटी यही है कि ये टीवी हमें इंडिया में भी देखने को मिले, क्योंकि मी टीवी 4A का हमें ऑलरेडी 55 इंच वाला वर्जन देखने को मिल रहा है या फिर उससे छोटे वर्जन भी देखने को मिल रहे हैं, तो 60 इंच वर्जन इज अ ट्रीट एंड ये इंडिया में ज़रूर आएगा। बाकी अगर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ ना, तो हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर्स, रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स, स्मार्ट बेल्स और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। इवन कुछ छोटी मोटी स्मार्ट वॉचेस, सीगा स्मार्ट वॉचेस भी शाओमी ने लॉन्च करी हैं। और अगर बात करें ना, तो एक बहुत ज़्यादा स्पेशल वॉच जो मुझे लगी बच्चों के लिए उन्होंने वहाँ पे लॉन्च करी है, वो है उनकी मीडिया की बनी वॉच, जिसमें 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है और ये वॉच अराउंड 7 to 8,000 रुपीज़ की है। अब ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में तो नहीं आएंगे जो मैंने बाद में बताए, जैसे कि हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर, रोबो क्लीनर, स्मार्ट डोर बेल्स, बट शाओमी धीरे धीरे जो अपने IoT प्रोडक्ट्स चाइना में लॉन्च करता है ना, वो इंडिया में भी ला रहा है। तो मे बी धीरे धीरे करके ये प्रोडक्ट्स भी हमें इंडिया में देखने को मिले। प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन अप्लायंसेस के बारे में बात करें ना, तो शाओमी ने अपना एक रेफ्रिजरेटर, अपनी एक फ्रिज, अपना एक नया वर्टिकल AC, ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहे हैं। बट जो मैंने कवर करे ना इस वीडियो में डिटेल में, वही मुझे लग रहा है जनरली इंडिया में देखने को मिलेंगे। अब लॉकडाउन का सिचुएशन ऑलरेडी चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में, तो शाओमी अभी तो ये प्रोडक्ट्स नहीं लाएगा, बट जो मी फैन फेस्टिवल है ना, वो बहुत ही जल्दी इंडिया में भी शाओमी रखेगा और उसमें काफ़ी सारे अपने नए नए प्रोडक्ट्स शोकेस करेगा। तो लेट्स होप कि ये सिचुएशन जो है जल्दी टले और शाओमी अपने प्रोडक्ट्स जल्दी जल्द इंडिया में लाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके अपने वैल्यूएबल फीडबैक दो एंड वीडियो शेयर कर देना, इट्स अ बिग फेवर फॉर मी। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।